तो सामने है गिरजाघर चर्च का मेन प्रवेश द्वार, ये देख रहे हैं। और इस समय शाम के 5:05 हो रहे हैं और अभी मैं हूँ गिरजाघर चौराहा, जो कि ये सीधे रास्ता ये चला जाएगा आपका नई सड़क के लिए, और वहीं बाएं साइड वाला रोड आपका चला जाएगा लक्सा होते हुए रथ यात्रा के लिए चला जाएगा। ये देख रहे हैं अभी दिखाया तो अभी बूंदा बारिश हुआ है, जिसकी वजह देख रहे हैं पूरा सड़क इस समय गीला हो गया है थोड़ा। अब हवा भी चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा दिखाया तो हमने, वाराणसी में उमस भी था जिसकी वजह से थोड़ा सा राहत हुआ है, यानी कि मात्र 2 से 3 मिनट बारिश हुआ है हल्का फुल्का, उसके बाद फिलहाल तो अभी बंद है। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ गिरजाघर चौराहा से दशाश्वमेध घाट तक के नज़ारे, जो शाम का नज़ारा है और काफ़ी दिनों बाद मैं आया हूँ यहाँ पर शाम को नज़ारा दिखाने के लिए। इस साइड देखिए है लखनऊ चिकन हाउस, आगे बढ़ने पर इस साइड आपका है काशी चाट भंडार। ये देख रहे हैं इस साल का यह पहला बारिश है मानसून का, दिखाई या तो ज़्यादा तो नहीं हुआ है, बस हल्का फुल्का ही बारिश हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। बस खाली रोड पूरा भीगा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने पर आपका है गोधौलिया चौराहा, सामने इस साइड आपका है कन्हैया लाल सर्राफ ज्वेलर्स। और बहुत से लोगों को पार्किंग के बारे में भी जानकारी नहीं होगा तो आपको बता दें, देखिए इस साइड आपका पार्किंग एरिया है। ठीक है, और यानी एक इस साइड है और एक यानी कि इस वाले सोनारपुरा वाले रास्ते से वो जाएंगे, मात्र 100 से 150 मीटर की दूरी पर आपका है एक और दाहिने साइड में पार्किंग। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पर आइएगा अपने वाराणसी में तो अपना वहाँ पर आप जमा कर दीजिएगा। और देखिए सामने एक LED स्क्रीन भी लगा हुआ है जो कि वाराणसी के घाट लाइव इस समय दिख रहे हैं। और ये जो रास्ता जैसा कि मैं बताया हूँ सोनारपुरा होते हुए हरिचंद्र घाट के लिए चले जाएंगे और सीधे बेचू सिंह द्वार के लिए, और ये जो रास्ता है ये आपका चला जाएगा मैदागे काल भैरव मंदिर बास फाटक और राजघाट के लिए भी चला जाएगा और काशी विश्वनाथ धाम के लिए भी चला जाएगा, यानी गेट नंबर 4। ये देख रहे हैं चाल बल देखिए काफ़ी ज़बरदस्त है, शाम के समय तो काफ़ी तगड़ा भीड़ रहता है इसका 10 गुना, सुबह के अपेक्षा सबसे ज़्यादा शाम को भीड़ रहता है। और यहाँ पर मार्केट भी है गोधौलिया, वाराणसी का सबसे प्रसिद्ध मार्केट गोधौलिया मार्केट, जिसकी वजह से और भी भीड़ जब जाता है। ये देख रहे हैं बारिश होने की वजह से बहुत से अपने सामान जो है वो प्लास्टिक से ढके हुए हैं। सामने देखिए एक बोर्ड भी लगा हुआ है अगस्त कुंडा गली। ये देख रहे हैं ये है आपका गोधौलिया मार्केट। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं इस साइड, देखिए एक है केसरी गली, यानी ये जो आपका गोधौलिया और दशाश्वमेध मार्ग है जितनी भी गली आपके दाहिने और बाएं साइड में है वहाँ पर आपका बोर्ड लग चुका है, यानी कि किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, आप आसानी से किसी भी गली में अगर आपको जाना है तो चले जाएँगे। ये देख रहे हैं उस साइड भी आपका है इंदिरा गांधी स्कूल। ये शाम का नज़ारा है, देख रहे हैं भीड़ काफ़ी ज़बरदस्त है, ये हमेशा इसी प्रकार का भीड़ रहता है, और संडे को थोड़ा देखा जाए तो भीड़ में थोड़ा सा ज़्यादा मुनाफा हो जाता है, और वैसे देखा जाए तो प्रतिदिन आपको भीड़ इसी प्रकार का देखने को मिलेगा। आगे बढ़ने पर बाएं साइड में आपका है हनुमान जी का एक मंदिर, श्री शांतिकेश्वर महादेव मंदिर, यानी कि हनुमान जी का मंदिर है। ये देखिए शांति हनुमान गली और शिवलिंग भी है। दोस्तों अभी भी बूंदा बारिश हो रहा है आपका, अगर ज़्यादा तेज़ होगा तो मुझे भी वीडियो को वहीं पर स्टॉप करना पड़ेगा, हालांकि अभी कम हो रहा था जिसकी वजह से मैं चल रहा हूं और थोड़ा बहुत जा रहा है मोबाइल पे पानी, तो विशेष कोई दिक्कत नहीं है।
बस आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में। आगे बढ़ने पर देखिए इस साइड आपका है काशी विश्वनाथ सिंह द्वार। जो ऊपर जो प्रतिमा देख रहे हैं वो है आपका स्वामी शंकराचार्य जी का, जो विश्वनाथ गली होते हुए जो विश्वनाथ मंदिर के लिए चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखिए भीड़ देखिए। इस साइड आपका है भूतेश्वर गली पुलिस चौकी, यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है बृहस्पति मंदिर मार मंदिर घाट शीतला घाट दशाश्वमेध प्लाजा। और आगे ही बढ़ने पर इस साइड आपका है खिचड़ी बाबा का मंदिर, उसी के ठीक सामने आपका है बृहस्पति मंदिर, ये देख रहे हैं सामने। सबसे खास बात यह है कि देखिए यहाँ पर बैठने के लिए चुनार के पत्थरों का बेंच बनाया गया है। देखिए इस साइड भी है, दाहिने साइड बाएं साइड और गार्डन एरिया भी बनाया गया है, जैसा कि आप देख रहे होंगे पेड़ लगा हुआ है उस साइड भी और उस साइड भी उसी प्रकार का पेड़ लगा हुआ है। और आगे बढ़ने पर देखिए दाहिने साइड से एक रास्ता कटा हुआ है जो कि दशाश्वमेध सब्जी मार्केट होते हुए, हालांकि देखा जाए तो जो सब्जी मार्केट है वो सुबह में ही लगता है। ठीक है, यानी कि उस साइड से भी आप दशाश्वमेध घाट के लिए चले जाएंगे और इस साइड से भी, इस साइड से आप दशाश्वमेध घाट के लिए भी जाएंगे और आपका मान मंदिर घाट जिसे मान महल घाट के नाम से भी जाना जाता है। सामने देखिए एलईडी स्क्रीन लगा हुआ है, वर्तमान समय में दिखाया तो अभी बंद है फिलहाल, तो यहाँ पर या फिर काशी विश्वनाथ का लाइव दर्शन दिखता है या फिर आपका कोई प्रचार एडवर्टीजमेंट होता है। ठीक है, और ये जो रास्ता है ये वाला जो गली है वो आपका चला जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट के लिए। और एक बात ये भी कि दोस्तों देखिए अगर घाट है या फिर अन्य कहीं जगह पर जाएंगे तो सबसे ज़रूरी रहता है शौचालय या फिर पेशाब खाना, कई लोग पूछते हैं तो मैं आपको बता दूं कि देखिए यही है इस साइड, ये देख रहे हैं इस साइड देखिए दशाश्वमेध प्लाजा का कार्य काफ़ी तेज़ी गति से चल रहा है, लगभग बनकर तैयार भी हो चुका है, ये देख रहे हैं सामने। पहले यहाँ पर पार्किंग एरिया बना था, ठीक है दोस्तों। ये क्या कहते हैं कि बदरी टाइप का मौसम होने की वजह से, जो कि आप देख रहे हो जैसे नारा कि काफ़ी ज़्यादा शाम हो गया है, लेकिन जब भी अपने वाराणसी में जब भी रात होता है वो लगभग 6:30 या फिर 7 बजने वाला होता है। ठीक है दोस्तों, ये बस आप लोगों के लिए मैं आया था, बारिश भी हो रहा था, मैंने सोचा कि उन्हें वीडियो शूट कर लिया जाए। बस आप लोगों से यही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दबा कर शेयर कीजिएगा, इससे क्या होता है कि मेरा मनोबल बढ़ता है, अगर ऐसे आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो वीडियो भी बनाने का मन नहीं करता है और मनोबल भी लगता है घटने। ठीक है दोस्तों, इस साइड देखिए आपका है मंदिर श्री श्री माँ गंगा मंदिर, ये है आपका दशाश्वमेध घाट, कुछ ही घंटों में आपका गंगा आरती होने वाला है क्योंकि वहाँ पर देखिए कुर्सियाँ लग गई हैं, ये देख रहे हैं इस साइड आपका कुर्सी लग गया है, बहुत से लोग हैं जो कि पहले ही 2 घंटा पहले ही बैठ गए हैं यहाँ पर। और यहीं पर कुछ ही घंटे में आपका गंगा आरती होने वाला है, बस बारिश ना हो, बारिश होने की वजह से जो आरती है वो फीका फीका पड़ने लगेगा।
ठीक दोस्तों, सामने देखिए एलईडी स्क्रीन लगा हुआ है जो कि गंगा घाट को दिखाया जा रहा है। तो दोस्तों यह था नज़ारा अपने गिरजाघर चौराहा से दशा समेत घाट तक के नज़ारे। तो उम्मीद करता हूँ कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और जो दोस्त मेरे चैनल बनारसी यूट्यूबर पर नए हैं, उन्होंने मेरा चैनल बनारसी यूट्यूबर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और ऐसा ही मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और हर हर महादेव।